स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार दोस्तों, तो चौथे चरण के मतदान जो है उत्तर प्रदेश में पूरे हो चुके हैं और मैं जानता हूं आपके जहन में वो सवाल होगा कि इस वक्त सबसे आगे कौन है, और इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको अंत तक रहना पड़ेगा मेरे साथ। मगर मैं आपको बता दूं, लखीमपुर खीरी, वो जगह जहां मोदी के मंत्री के बेटे ने किसानों को रौंद दिया था, वहां पर एक बहुत ही दिलचस्प खबर सामने आई है। क्या आप जानते हैं कि मतदान से पहले मॉक वोटिंग होती है? मॉक वोटिंग से क्या मतलब है कि जो अधिकारी होते हैं वो लोग जांच परख करते हैं मशीन्स की, और अधिकारी जब ये मॉक वोटिंग कर रहे थे यानी कि मशीन की जांच कर रहे थे, तो पता चला कि जो भी बटन दबाओ भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सामने उभर कर आती थी। खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लखीमपुर खीरी के फरधान थाना क्षेत्र के बूथ संख्या 85 पर मॉक पोल के दौरान कोई भी बटन दबाने से कमल की पर्ची निकल रही थी। इसको लेकर मतदान 2 घंटे बाधित रहा। मामला सामने आने के बाद तहसीलदार सदर और सेक्टर मजिस्ट्रेट डॉक्टर राकेश वर्मा ने मौके पर पहुंचकर नई ईवीएम मशीन्स दी। इसके बाद 8:55 पर मतदान शुरू हो चुका। मैं जानता हूं दोस्तों कि मॉक पोल के दौरान, असली वोटिंग के दौरान ऐसा नहीं हुआ, और फिर जैसे कि आप देख रहे हैं पुलिस ने भी कह दिया कि ईवीएम्स को रिप्लेस कर दिया गया और 9 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं उन पत्रकारों में से हूं जो ये मानता है कि कई लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम्स के जरिए जीत जाती है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीतती है क्योंकि जनता उन्हें वोट देती है। मेरे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि ईवीएम्स के साथ धांधली की जा सकती है, मगर ऐसी फालतू, फर्जी और जिसे कहते हैं खराब मशीन्स का इस्तेमाल अगर किया जाएगा तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। इससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल खड़े होंगे। और यही नहीं दोस्तों, प्रशासन का जो पक्षपाती रवैया है वो भी सामने उभर कर आ रहा है। मसलन ये वीडियो देखिए, यहां पर एक पुलिस वाला नाच रहा है और नाच नाच के ये बोल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे, यानी खुलेआम भाजपा का समर्थक। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कुछ पुलिस वाले रालोद और समाजवादी पार्टी के समर्थन में नाच रहे थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है? कुछ दिनों पहले कुछ पुलिस वाले रालोद के समर्थन में नाच रहे थे, आज ये भाई साहब भाजपा के समर्थन में नाच रहे हैं। आप पुलिस हैं, आप इस तरह से घोर पक्षपाती नहीं हो सकते हैं। बाकी दोस्तों शर्म की बात है। और एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने उभर कर आई है आपके सामने। रॉबर्ट्सगंज के विधायक हैं भूपेश चौबे, आप देख रहे हैं उठक बैठक लगा रहे हैं। क्यों उठक बैठक लगा रहे हैं? क्योंकि उनका कहना था कि भैया हमने 5 साल कुछ नहीं किया इसलिए मुझे माफ कर दो। लग तो यही रहा है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों ने, कई नेताओं ने 5 साल कुछ नहीं किया इसलिए अब अनाप शनाप बातें की जा रही हैं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी हर रैली में महिला सुरक्षा का जिक्र कर रहे हैं। आज भी उन्होंने किया कि महिला सुरक्षा को लेकर हमारा जो रिकॉर्ड है बहुत जबरदस्त है। मगर प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आपकी फितरत पर सवाल पूछना चाहता हूं। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी बलात्कारी, किसी हत्यारे को, यानी राम रहीम इस शख्स को कोई सरकार 21 दिन पर रिहा कर दे फरलॉ पर। यह आपने किया है, एक बलात्कारी को, एक हत्यारे को 21 दिन पर रिहा कर दिया, और न सिर्फ रिहा किया, उसे Z+ सिक्योरिटी दी। ऐसा कभी हुआ है क्या बताइए? और फिर देश की जनता को अनाप शनाप बातें करना, उत्तर प्रदेश की जनता को बरगलाना कि ये देखिए हरियाणा की सरकार आपकी क्या कर रही है, इससे पता चलता है कि फितरत क्या है आपकी। चंद वोट्स के लिए, चूंकि आपको लगता है कि पंजाब में मदद हो जाएगी, आप एक बलात्कारी को Z+ सिक्योरिटी दे रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। और फिर आप कहते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर हमने मंचलों पर लगाम लगा दिया है।
आपने राम रहीम पर लगाम लगाया, आप उनके साथ खड़े हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा मनचलों के बारे में। तो क्या वो उन मनचलों को खुली छूट देते जो स्कूल से आने जाने वाली हमारी बेटियों को छेड़ते थे? लगाम तो किसी सूरत में नहीं लग रही दोस्तों। और यही नहीं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखिलेश की एक बात से बहुत ज्यादा चोटिल दिखाई दिए। अखिलेश लगातार हमला बोल रहे हैं, और क्या हमला बोल रहे हैं कि जिनके परिवार नहीं होते वो परिवार का दर्द क्या समझेंगे। आज भी अखिलेश यादव ने एक रैली में इसी बात का जिक्र किया कि जब लोग सड़कों पर मजबूर हो गए थे निकलने के लिए लॉकडाउन के दौरान, जब गंगा में लाशें बह रही थीं, तो बीजेपी सरकार का दिल ही नहीं पसीजा था, क्योंकि इनमें से कई ऐसे जिनका अपना परिवार नहीं। और जाहिर सी बात है, हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर है। क्या कहा अखिलेश ने, सुनिए। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम सब लोग परिवार वाले लोग हैं, परिवार वाले लोग ही परिवार वाले लोगों का दुख दर्द समझ सकते हैं। जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। जिसके परिवार में अगर एक बेटा बेरोजगार है तो बताओ उसके परिवार में दुख और परेशानी होती है कि नहीं होती है? अगर एक बेटी शादी को है, महंगाई है, शादी करनी है, तो बताओ भाई से लेकर के पूरा परिवार इंतजाम में लगता है कि नहीं लगता है? तो ये परिवार, जिनके परिवार नहीं है वो परिवार वालों की जिम्मेदारी को नहीं समझ सकते। जिनके परिवार नहीं है वो परिवार वालों का क्या दायित्व होता है वो नहीं समझ सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, इसकी बात जो है बुरी तरह से चुभ गई प्रधानमंत्री को। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई जो परिवार की बात करते हैं वो बताएं कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या किया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्रिपल तलाक है उससे फायदा सिर्फ लड़की को नहीं है बल्कि लड़की के बाप, भाई और मां को भी है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा आप सुनिए। और जो दावा करते हैं कि वो तो परिवार वाले हैं, उसमें बुरा क्या है? हम परिवार वाले हैं इसलिए परिवार का दुख जानते हैं। मैं जरा घोर परिवारवादियों से पूछता हूं, आप अगर परिवार के इतने गुणगान गाते हो तो आपको ये मेरी मुस्लिम बेटियों के दर्द की चिंता क्यों नहीं हुई? मेरी मुस्लिम बेटियों बहनों को छोटे छोटे बच्चे लेकर के पिता के घर लौटना पड़ता था, तब तुम्हें परिवार का दर्द क्यों समझ नहीं आया? प्रधानमंत्री आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी पत्नी आपके साथ नहीं है, आपकी मां है, तो इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आपका परिवार नहीं है। मैं उस मुद्दे पर जाना ही नहीं चाहता हूं। आज आप मुस्लिम महिलाओं के लिए अपना दर्द दिखला रहे थे, अपनी संवेदना दिखला रहे थे ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हिजाब सिर्फ एक स्कार्फ, उसको लेकर कभी विवाद नहीं हुआ। कर्नाटक जहां आपकी सरकार है, लड़कियों को हिजाब तक पहनने की इजाजत नहीं दी गई, उसको लेकर इतना बड़ा विवाद बना दिया गया। नतीजा यह हुआ कि बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या रहस्यमय परिस्थिति में होती है और पूरे राज्य में या कम से शिवमोगा वाले इलाके में दंगे जैसे हालात पैदा हो जाते हैं सिर्फ हिजाब को लेकर। यह आपकी सरकार है मोदी जी, जहां पर लड़कियों की नीलामी होती है बुल्ली और सुल्ली डील्स के जरिए, मुस्लिम महिलाओं की नीलामी होती है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। और आप इन तमाम मुद्दों पर खामोश हैं, तमाम मुद्दों पर खामोश हैं, एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से। ट्रिपल तलाक आप इसलिए उठा रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है कि ट्रिपल तलाक एक दंश है, एक शाप है मुस्लिम महिलाओं के लिए, मगर जब आपके सामने बुल्ली और सुल्ली डील्स में मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की जाती है तब आप खामोश क्यों रहते हैं? बताइए,
जब हिजाब को लेकर बेवजह एक बवाल पैदा कर दिया जाता है एक भाजपा शासित राज्य में, तब आप खामोश क्यों रहते हैं? आप जानते हैं तमाम चीजें क्यों हो रही हैं? ये तमाम चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। आप अगर खामोशी ना अख्तियार करें ना, तो ये तमाम चीजें नहीं होने वाली हैं। प्रधानमंत्री, आप बार बार खामोश रहते हैं और इससे पता चलता है कि इस तरह से जो लोग अराजकता मचाने वाले हैं, आप उनके साथ हैं मोदी जी। क्योंकि अगर आप उनके साथ ना होते तो आप जरूर बोलते, और अगर आप बोलते तो इसका असर जमीन पर दिखाई देता। मगर आपको लगता है कि चंद वोट्स हासिल कर लिए जाएंगे, इससे भाजपा का फायदा हो जाएगा। कितनी शर्म की बात है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि महिला सुरक्षा पर जो लगातार हमला किया जा रहा अखिलेश यादव पर, अखिलेश यादव आज अपने वोटर्स को बता रहे हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर या महिलाओं को लेकर उनकी पार्टी क्या करने जा रही है, सुनिए। महिला शिक्षकों के उनके गृह जनपद में पोस्टिंग होगी। बस में चलने के लिए छात्राओं को एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, छात्राएं फ्री चलेंगी। जो 12वां पास करेंगी बेटियां हमारी बहनें, उनको 36,000 रुपया महीना साल में देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। लड़कियों की पढ़ाई केजी से पीजी तक फ्री, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। जो हमारी गरीब माताएं हैं, जो हमारी गरीब माताएं हैं, उनकी मदद समाजवादी पेंशन से कर रहे थे, समाजवादी पेंशन से मदद कर रहे थे। इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो 500 नहीं, हमारी गरीब माताओं बहनों को 1,500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपए देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसमें दो राय नहीं है कि एक तरफ महिला वोटर, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अचानक इतनी सक्रिय हो गई है, और दूसरी तरफ आवारा पशुओं का आतंक। ये दोनों मुद्दे अचानक चौथे चरण में आते आते बहुत ज्यादा गंभीर हो गए हैं। आवारा पशु के मुद्दे पर आज प्रियंका गांधी वाड्रा भी प्रदेश की जनता के सामने थी, और उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री जो ये कह रहे हैं कि भाई गोबर धन जो मिलेगा आवारा पशुओं से, हम उसके लिए पैसे देंगे, दरअसल प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की योजना से कॉपी किया है, कांग्रेस की योजना को चुराया है। क्या कह रही है प्रियंका, आप सुनिए। क्योंकि उनका कहना था कि ऐसी योजना तो हम छत्तीसगढ़ में ला चुके हैं और वही योजना हम उत्तर प्रदेश में लाएंगे, सुनिए। किसानों के लिए हम कह रहे हैं कि ये जो छुट्टे जानवर की समस्या है, इसको सुलझाने के लिए कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में बहुत काम किया है। मुझे तो अच्छा लगा है वैसे कि हमारी सरकार की नकल में अब कल परसों मोदी जी ने भी छुट्टे जानवर की बात की तो वही बात की, लेकिन हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया। क्या किया उन्होंने? कहा देखिए, अगर छुट्टे जानवरों को आप देखभाल कर लेते हैं तो सरकार आपसे 2 रुपए किलो गोबर खरीदेगी। अब शुरुआत में तो लोग हंसने लगे कि सरकार गोबर खरीदने लग गई है, लेकिन उस गोबर का फिर सरकार ने इस्तेमाल किया। जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं, उनसे गोबर में वर्मी कंपोस्टिंग करवा के बढ़िया खाद बनवाई, गोबर गैस बनवाई। इससे महिलाओं का भी फायदा हुआ, जनता का भी फायदा हुआ, और छुट्टे जानवर को लोग घर में रखने लग गए, देखभाल करने लग गए, क्योंकि उसके लिए कमा लेते हैं। तो चार चरण यानी कि 200 सीटों से ऊपर, एक बात तय है, जो बात सामने उभर कर आ रही है, एक तरफा मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास जहां प्रचार है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ताकत है, एजेंसीज की ताकत है, वहीं अखिलेश यादव के साथ इस वक्त भीड़ का उत्साह है। क्या वो भीड़ वोट्स में तब्दील होगी? अखिलेश यादव तमाम छोटी छोटी जातियों को संजो रहे हैं, क्या उन छोटी छोटी जातियों को संजोने का परिणाम दिखाई देगा? अखिलेश यादव जो है किसान नेताओं के साथ, क्या उसका असर होगा? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हमें 10 तारीख को मिलेंगे। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।